Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. Guys, आपने नोटिस किया होगा मैं कुछ दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था बिकॉज मेरी तबीयत कुछ ख़राब चल रही है. अभी भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, बट मुझे लगा कि चलो मुझे मंडे के लिए कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए. सो गाइज, वही डिस्क्लेमर है पहले कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है. इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज़. और अगर आप कोई पोजिशन बनाते हैं तो खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए. एंड सेकेंड थिंग, इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजिशन हो सकती है. तो गाइज, अपना पहला स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग. और इसको डिस्कस करने का रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा कि इसने अभी ब्रेकआउट दिया, अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया है और वैसे ही शुगर स्टॉक जो है वो न्यूज़ में है. और अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट भी हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं टोटली बुलिश है स्टॉक. और जो डेली चार्ट है उसमें भी स्टॉक बुलिश है. तो आप इसमें CMP पे इसको कंसीडर कर सकते हैं गाइस. बट अगर आप कोई पोजीशन बनाएंगे तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा जो बनता है 275. तो जो इसके टारगेट होंगे गाइस, वो इसके टारगेट गाइस 345 का इसका पहला टारगेट रहेगा. और मैं ज़्यादा बड़े टारगेट देना नहीं चाहता गाइस, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और उसकी वजह से प्रॉफिट बनाना ही बड़ी बहुत बड़ी बात हो चुकी है. बिकॉज ओवरनाइट पोजीशन एक रिस्क लेके साथ में चलती है, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन मोड में हो तो अलग बात है, बट जब इतनी वॉलेटाइल हो जाए कि 200-400 पॉइंट निफ्टी के लिए कुछ ना रहे, तो 200 पॉइंट ऐड होता है तो स्टॉक के प्राइजेस ऊपर नहीं जाते हैं, बट 400 पॉइंट नीचे जाती हैं तो स्टॉक 10-10% गिरते हैं. तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है. एंड दूसरी बात वही कि ओपन इक्वल टू हाई नहीं होना चाहिए, जो मेरी स्ट्रेटजी है. अगर ओपन इक्वल टू हाई है तो आप इसे अवॉइड कीजिएगा, ठीक है. तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग 275 का स्टॉप लॉस एंड 345 का टारगेट. एंड गाइस, दूसरा स्टॉक है GHCL. तो GHCL में आप लोग CMP पे पोजीशन बना सकते हैं और 525 का पहला टारगेट रहेगा गाइस. और स्टॉप लॉस वैसे तो आप अपने एपेटाइट के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट जो आपकी है उसके हिसाब से रख सकते हैं, बट मुझे जो स्टॉप लॉस इसका लग रहा है वो 475 और 470 के बीच में कोई भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं. उसके नीचे स्टॉक जाता है तो ये वीक हो जाएगा, ठीक है गाइस. तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का रहेगा ऑलमोस्ट. एंड बट अगर आप प्रॉफिट में आते हैं और इंट्राडे में ही आपको 2-4% मिलता है तो गाइस लेके निकल जाएं, ठीक है. तो बाकी एक स्टॉक मैं आप लोगों के साथ वैसे ही डिस्कस करना चाहूँगा. इसे आप डिलीवरी बेसिस पे बेफिक्र होकर ले सकते हैं, कोफोर्ज, ठीक है. इसको यहाँ से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, 4000 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 4600 का आपका टारगेट रहेगा. इसको स्विंग ट्रेड मान सकते हैं, मीडियम टर्म मान सकते हैं, एक महीने के लिए, 15 दिन के लिए, जैसे आप चाहें उसे कर सकते हैं. तो ये स्टॉक मैंने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है. मैंने उनको फ्राइडे ही 4280 पे लेने को बोल दिया था, उसके बाद ये 4330 पे गया तो मैंने इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करने को भी बोला था कि 1.5% आपको मिल रहा है, तो अगर आप इंट्राडे में बुक करना चाहते हैं तो कर लीजिए. तो शायद उनमें से कुछ लोग पोजीशन होल्ड कर रहे होंगे और मे बी कुछ लोगों ने इंट्राडे में ही प्रॉफिट बुक किया होगा. तो गाइस, इन स्टॉक्स पे नज़र रखिए मंडे के लिए. एंड बाकी मेरी तबीयत ठीक रही तो फिर मंडे इवनिंग मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, बट अगर तो ये ठीक ना हो पाई तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता गाइस. पूरा एक वीक निकल चुका है एंड आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम. तो होपफुली एवरीबडी इज़ डूइंग गुड एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो गाइस. एंड बाय बाय, टेक केयर.